किस मांग को लेकर आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया और क्या मांग है आज आपके? हमारे एक साथी अधिवक्ता का जो रूरल हत्या जो हुई है उस हत्या के विरोध में हम यहाँ पर आए हैं और उनके हत्यारों को जल्दी से गिरफ्तार किया जाए और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए जिसके लिए हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है जो कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल को दिया जाएगा जिससे कि ये जो एक्ट है जल्दी से जल्दी लागू किया जाए क्योंकि आज की तारीख में देखा जा रहा है कि कोई भी जो एडामेंट लोग हैं वो अधिवक्ता के ऊपर हमला कर देते हैं अपराधी किस्म के लोगों से अधिवक्ता को भी भय लगने लग गया है ये कंडीशन हो गई है जबकि अधिवक्ता वो एक नींव का पत्थर है जो समाज में न्याय दिलाने का काम करता है और एक सुप्रीम कोर्ट से लेकर निचली अदालतों में समाज के व्यक्तित्व को रिप्रेजेंट करने का काम एक अधिवक्ता करता है उस अधिवक्ता और उस नींव के पत्थर के ऊपर अगर चोट आएगी तो वो सहन नहीं की जाएगी इसलिए हमने पुरजोर से इसका विरोध किया है। अगर प्रोटेक्शन एक्ट सरकार लागू नहीं करती है तो ये हमारा आंदोलन अनिश्चितकालीन चलता रहेगा और ये सरकार इसको कमजोरी से न ले क्योंकि हर नीचे से लेकर ऊपर तक हर कड़ी में अधिवक्ता जुड़ा हुआ है और सरकार की नींव का पत्थर हिलाने का काम भी अधिवक्ता कर सकता है। इसको ध्यान में रखते हुए हमने ज्ञापन दिया है अगर सरकार इस चीज़ को मान जाती है ठीक है वरना उसकी जड़ों को हिलाने का काम भी हम करेंगे। जय हिंद जय भारत। दिन दाड़े इस प्रकार की हत्या होती है आखिर किसका जिम्मेदार किसको माना जाए? इसका जिम्मेदार प्रशासन को ही माना जाएगा क्योंकि उस अधिवक्ता के पहले से ही उनका जो दोनों के बीच में जो कंट्रोवर्सी थी वो पुलिस प्रशासन को अच्छी तरीके से पता थी और वो अपराधी किस्म के लोग हैं ये भी पता था। अधिवक्ता होते हुए भी उसको पुलिस ने प्रोटेक्शन नहीं दिया ये सबसे बड़ी खामियाजा प्रशासन का है और ये उसको भुगतना पड़ेगा यही मेरा कहना है। सरकार अगर आप लोगों की मांग नहीं मांगता है तो अगला कदम क्या होगा? अगला हमारा अनिश्चितकालीन हड़ताल चलेगी और सड़कों पर भी अधिवक्ता उतरेंगे।